बाबू ये क्वेश्चन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद हम कुछ चीज बताएंगे। हु विल इंश्योर डस्ट कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में डस्ट कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट हो, ये कौन इंश्योर करेगा, कौन सुनिश्चित करेगा? आपको ऑप्शन दिया है, वर्मेन, मनी सदार, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, 2017 का जब रेगुलेशन आया 1957 को हटा के, तो उसमें ओपन कास्ट वर्किंग का भी जिक्र किया है। हम लोग जब पढ़ते थे तब ओपन कास्ट का जिक्र नहीं था। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्मेन, माइनिंग सरदार, असिस्टेंट मैनेजर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो कौन इंश्योर करेगा डस्ट कंट्रोल मेजर्स को ओपन कास्ट माइंस में या ओपन कास्ट वर्किंग में, कौन इंश्योर करेगा बताइए? वर्मेन, माइनिंग सरदार या असिस्टेंट मैनेजर? करेगा आपका माइनिंग सरदार। डस्ट कंट्रोल मेजर्स को देखने की जिम्मेदारी किसकी है? माइनिंग सरदार की। अब हम लेते हैं ड्यूटीज ऑफ वर्मेन इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग एंड ड्यूटीज ऑफ सरदार, सरदार मतलब माइनिंग सरदार, इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। ये दिया है रेगुलेशन 48 के सर्वेशन 5 में, यहां दिया है रेगुलेशन 47 का सर्वेशन 6 में। अब बोलेंगे सर रेगुलेशन याद नहीं होता, अरे भैया कल याद करना है, हम बताएंगे ना, याद नहीं करना है। ओपन कास्ट देखा है? ओपन कास्ट में क्या होता है, बेंचेस होता है, हाल रोड होता है, डंप होता है, होता है कि ब्लास्टिंग ऑपरेशन होता है, आपका लाइटिंग रहना चाहिए, रात में काम होना है तो लाइटिंग चाहिए, यही सब ना बात रहेगा। और ओपन कास्ट में मशीनरीज चलता है तो डस्ट होता है, तो उसको दूर करना है, इतना ही ना काम है जी, कि और कोई काम है ओपन कास्ट में, वो भी डंप है, उसके स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो इतना ही ना ड्यूटी कि चाहे वो मैनेजर हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे ओवरमैन हो, चाहे माइनिंग सरदार हो, लेकिन सबका ड्यूटी बटा है। जैसे माइनिंग सरदार का और ओवरमैन को मैं कंपेयर में लिए ओपन कास्ट वर्किंग में, तो कुछ ड्यूटी सेम होगी लेकिन कुछ ड्यूटी अलग होगी। अब यही देख लीजिए, डस्ट कंट्रोल मेजर में ओवरमैन का ड्यूटी नहीं है, किसका ड्यूटी है? माइनिंग सरदार का। लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में लाइटिंग है या नहीं है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी? ओवरमैन साहब की है। किसकी है? ओवरमैन साहब की। ब्लास्टिंग के पहले कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में लिखी हुई सभी बातों को पालन हुआ या नहीं हुआ, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ओवरमैन की, ना कि माइनिंग सरदार की। प्लांट और मशीनरीज सेफ एंड सिक्योर मैनर में ऑपरेट हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? ओवरमैन की, न कि माइनिंग सरदार की। ठीक है, तो हम यही कंपैरिजन देखेंगे, किन बातों पे देखेंगे? ओपन कास्ट में जो है वो उकरा ना देखेंगे यार, काहेले दिमाग लगाना और काहेले याद करना। बेंच है, हाल रोड है, ओबी डंप है, ब्लास्टिंग है, लाइटिंग है, मशीनरीज है, इतना ही ना पॉइंट पे बात करना है और इतना ही चीज के बारे में जिक्र करना है। अब ये देखना है कि इनमें से ओवरमैन या माइनिंग सरदार की ड्यूटी कौन कौन सी सिमिलर है और कौन कौन सी अलग है, इतना ही याद रखना है। ओपन कास्ट वर्किंग में माइनिंग सरदार का 5 ड्यूटी दिया है, ओवरमैन का ओपन कास्ट वर्किंग में 8 गो ड्यूटीज दिया है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 8 दिया है, क्योंकि ओवरमैन बड़ा है तो ज्यादा ड्यूटी है, माइनिंग सरदार बाबू छोटा होता तो 5 गो दिया, इसका 3 गो बढ़ा दिया। क्या क्या है? तो दोनों में पहले सिमिलर चीज को देखते हैं, क्या देखते हैं? दोनों की ड्यूटी एक जैसी कौन कौन सी, उसको देखेंगे, और दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बाद में देखेंगे। पहला ड्यूटी बेंच होता है, तो बेंच का साइड को ड्रेसिंग करने का नियम होता है। क्या है ड्रेसिंग? लटका हुआ कोई चीज रहेगा और उसके किनारे किनारे हम जाएंगे और मेरे माथा के ऊपर गिर गया तो क्या होगा, कहानी खत्म। या बेंच के किनारे में मशीन काम कर रहा है, कोई वो ड्रेस्ड नहीं है, कोई बोल्डर लटका हुआ है, तो क्या करेंगे, वो गिर गया तो मशीन तो जाएगा, ऑपरेटर भी चले जाएगा। तो ड्रेसिंग करना क्या होता है? जो लटका लुटकी ओल्डर बोल्डर लूज मटेरियल है उसको ऐसा खींच देना ताकि वो हार्ड हो जाए, हार्ड रहेगा तो फिर उससे कोई भी एक्सीडेंट की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ?
तो बेंचेस ऑफ साइट्स ऑफ बेंचेस साइट्स ऑफ बेंचेस आर कैप्ट ड्रेस्ड, मतलब बेंच की जो साइड है उसको ड्रेसिंग करके रखना है, ये जिम्मेदारी है ओवरमैन साहब की। ठीक है, ये किसके कलम में बता रहा हूं, ओवरमैन की। और सेम जिम्मेदारी आपके माइनिंग सरदार बाबू की भी है, तो ये दोनों की सेम ड्यूटी, पहले हम सेम सेम वाला ले रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंच बेंच के दो बात है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंच बेंच इज नॉट इन डेंजर्ड बेंच की स्टेबिलिटी खतरनाक ना हो जाए, यह भी देखने की जिम्मेदारी किसकी है, ओवरमैन की। और ये सेम ड्यूटी है आपके माइनिंग बाबू की भी, माइनिंग सरदार की भी है। ठीक है, स्टेबिलिटी में क्या देखते हैं बाबू, बेंच का हाइट, बेंच का वेट, बेंच का स्लोप, ड्रेसिंग, ये सब आता है बेंच स्टेबिलिटी में। ठीक है, बेंच के किनारे में पानी जमा ना हो, जो टो है उसमें पानी जमा ना हो, और नहीं तो उसकी स्टेबिलिटी कमजोर। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंच इज नॉट इंडेंजर्ड, बेंच की स्टेबिलिटी खतरनाक ना हो, यह देखने की भी जिम्मेदारी माइनिंग सरदार की भी है, ओवरमैन की भी। सेम से माला पहले देख लेते, हॉल रोड्स आर केप्ट मेंटेन, हॉल रोड्स आर केप्ट मेंटेन, एकरा का मतलब हो गया भैया, हॉल रोड को बढ़िया से मेंटेन करके रखना है। कैसे मेंटेन करके रखना है, जो हम आप लोगों को सीआईएल रिक्रूटमेंट के पार्ट 10 में बताए हैं कि हॉल रोड में डंपर चलेगा या कोई दूसरा मशीन चलेगा, वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ गिर जाएगा, तो उसको बचाने के लिए हम बर्म या पैरापेट वॉल बोलते हैं। बड़ा बाबू लोग को कंफ्यूजन है, अरे भैया पैरापेट बोलिए, पैरापेट वॉल बोलिए, बर्म बोलिए, एम्बैकमेंट बोलिए, इनंडेशन के केस में एम्बैकमेंट का दूसरा मीनिंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो भी वही बात, अवरोध है, ये बैरियर है। क्या है, बर्म बोलिए, पैरापेट वॉल बोलिए, एम्बैकमेंट बोलिए, ये बैरियर है, अवरोध है, जो हम अगेंस्ट इनंडेशन करते हैं कि हमारा कोई नदी नाला झील तालाब हमारा माइन के पास में है, उसके अगल बगल से गुजर रहा है, वो पानी माइन में ना आ जाए, उसके लिए भी हम क्या करते, एक अवरोध बना देते, वो करें ना इम्बेटमेंट बोलते। यहां पर भी क्या, मेरा कोई डंपर ऊंचाई से नीचे में ना गिर जाए, हाइट से नीचे की तरफ ना गिर जाए, उसको रोकने के लिए एक बैरियर या अवरोध लगा दिया किनारे में, वही ना बर्म है। वो बर्म का हाइट भी बताए थे कि बर्म का हाइट जो है वो जो भी आप व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके टायर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए, ऐसा बताए थे ना, और उसका चौड़ाई जो है टॉप में कितना रहेगा, बेस में कितना रहेगा, टॉप में 1 मीटर चौड़ाई रहेगा, बेस में 2.5 मीटर रहेगा। हाल रोड का ग्रेडियंट बताए थे कि नॉट स्टीपर देन 1:16, और जो शॉर्ट रैंप होते हैं जो कि ट्रैक्शन मशीन्स के लिए, क्रॉलर माउंटेड मशीन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक समय पर 50 मीटर से लंबा नहीं होगा, उसका जो ग्रेडियंट है वो नॉट स्टीपर देन 1:10, ऐसा बताए थे ना। फिर वो बताए थे कि चौड़ाई कितना रहेगा, बताए थे, वही सब मेंटेन करना आपको। हॉल रोड्स आर केप्ट मेंटेन्ड, मतलब हॉल रोड्स को जो रूल रेगुलेशन में दिए हुए हैं उस तरीके से मेंटेन करके रखना, और ये जिम्मेदारी भी दोनों का है। ये सेम सेम जिम्मेदारी बता रहे पहले दोनों का, फिर डिफरेंस वाला बताएंगे। जैसे इसका बताया माइनिंग सरदार का कि डस्ट कंट्रोल मेजर्स को कौन देखेगा, माइनिंग सरदार देखेगा, लेकिन ये जिम्मेदारी दोनों देखेगा। साइड्स ऑफ बेंचेस आर केप्ट ड्रेस्ड, ये दोनों देखेगा, ओवरमैन भी माइनिंग सरदार भी, कि बेंच का ड्रेसिंग हो, बेंच के साइड का ड्रेसिंग हो, बेंच की स्टेबिलिटी बनी रहे, ये दोनों देखने की जिम्मेदारी दोनों की है। इज नॉट डेंजर पर भी स्टेबिलिटी बनी रहे। हॉल रोड्स आर केप्ट मेंटेन, हॉल रोड जो है मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब ओवर बर्डन की बात आती है, वो भी
का जो ओवरबर्डन होता है तो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन वो भी इंडेंजर्ड ना हो जाए, ये देखना भी इन दोनों के काम में आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन, स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन को शॉर्ट में वो भी लिख दे रहा हूं ओवरबर्डन डम, स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन डम को भी देखना दोनों की जिम्मेदारी। तो ये चार जिम्मेदारी कैसा हो गया भैया, ये कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा इसमें जिम्मेदारी माइनिंग सदन में क्या बोला था, डस्ट कंट्रोल मेजर्स का, डस्ट कंट्रोल मेजर्स हुआ, एक दो तीन चार पांच, पांच ही जिम्मेदारी है माइनिंग सरदार की। कौन कौन सी, कि बेंच को यहां क्या लिखा है, असेंबली का मतलब इधर वाला बात, बेंच का जो साइड है उसको ड्रेसिंग करके रखेगा, हाल रोड मेंटेन करके रखेगा, स्टेबिलिटी ऑफ बेंच को इंश्योर करेगा, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ डंप को भी इंश्योर करेगा माइनिंग सरदार, और डस्ट कंट्रोल मेजर्स को इंश्योर करेगा, इतना ही इसका पांच ड्यूटी है। तो ये और इसका चार, ये और चार है, आठ बोला ना, क्या क्या बोला, कि लाइटिंग, लाइटिंग का भी ड्यूटीज किसका है, कि जिस एरिया में काम हो रहा है गवर्नमेंट के वहां पर लाइटिंग बना रहे, ठीक है। उसके अलावा लाइटिंग के अलावा क्या देखने के लिए बोले थे हम, कि ब्लास्टिंग, तो ब्लास्टिंग हो रहा है तो ब्लास्टिंग के पहले, फायरिंग ऑफ शॉट के पहले जो स्टेचुटरी प्रिकॉशन सीएमआर में है उनको लिया जाए, मतलब बिफोर ब्लास्टिंग जो भी प्रिकॉशंस लेने, जैसे हम ब्लास्टिंग लिख दे रहे हैं, बिफोर ब्लास्टिंग जो भी प्रिकॉशंस लेना वो लेना होगा, और प्लांट और मशीनरी जितने भी है माइंस में, ऑल मशीनरी एंड प्लांट्स, ऑल मशीनरीज एंड प्लांट्स और ऑपरेटेड इन सेफ एंड सिक्योर मैनर, इसका बढ़ गया, इसका थोड़ा सा कम हो गया, इतना ही नहीं है कोई बहुत बड़ा बात है। तो ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। अब मान लो कोई पूछे, जैसे यहां मैं पूछ लिया, हु विल इंश्योर डस्ट कंट्रोल मेजर्स आर इंप्लीमेंटेड इन ओपन कास्ट माइंस, तो इसका आंसर था माइनिंग सरदार, क्योंकि इसमें कहीं ओवरमैन की ड्यूटी में दिखा नहीं, इसमें था माइनिंग सरदार। अब मान लो कोई ने बोल दिया कि लाइटिंग के बारे में, लाइटिंग किसका जिम्मेदारी है ओपन कास्ट वर्किंग में, और माइनिंग सरदार ओवरमैन दे दिया, एक में ओवरमैन दिया, एक में माइनिंग सरदार दिया, एक में बोध दे दिया, तो बोध में तो आएगा नहीं, लाइटिंग के इसमें कहीं देखा क्या माइनिंग सरदार के, तो लाइटिंग में मैनेजर आपका ओवरमैन आ जाएगा। ब्लास्टिंग के पहले जो सावधानी ली जानी है उसमें ओवरमैन आ जाएगा, आपका जितना भी मशीन्स है प्लांट्स है वो सेफ एंड सिक्योर मैनर में चले, इसकी जिम्मेदारी ओवरमैन की है। और एक चीज बच गया, आठ बोला था जी, साते ना हुआ, दिख रहा है सात पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, आठवां को हम यही कहीं ऐसा करके लिख देते तो दिखेगा, आठ ओपन कास्ट में आठ जिम्मेदारी बोले थे कि ओवर क्राउडिंग को रोकना है, ओवर क्राउडिंग ऑफ मेन एंड मशीन्स एट द फेस। ओवरमैन क्या देखेगा कि नो ओवर क्राउडिंग, हम यहां नो नहीं लिखे, आप लोग समझते चलिए, नो ओवर क्राउडिंग लिखे देता हूं नहीं तो बस भूल जाएगा कोई, नो ओवर क्राउडिंग ऑफ मेन एंड मशीन्स एट द फेस, फेस पर बहुत सारे आदमी एक साथ जमा नहीं होने चाहिए, एक साथ मशीन जमा नहीं होने चाहिए, उससे क्या होगा, बहुत सारा मशीन एक ही फेस में जमा हो जाएगा तो कोलाइजन का डर रहेगा, मशीन चलता है बहुत सारा आदमी रहेगा को दब दुब जाएगा, इसलिए ओपन कास्ट वर्किंग में बोलता है जितना जरूरत का आदमी उतना ही फेस में रहेगा, बाकी जिसका जहां जहां ड्यूटी वो वहां रहेगा, एक जगह सबका सब आदमी नहीं रहेगा, क्योंकि ओवर क्राउडिंग ऑफ मेन एंड मशीन से भी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो मान लो ये पूछे कि ओवर क्राउडिंग ऑफ मेन एंड मशीन को देखना किसकी जिम्मेदारी में आता है, किसकी जिम्मेदारी में आता है, ओवरमैन साहब की, ना कि माइनिंग सरदार की, माइनिंग सरदार के में पांच है, ओवरमैन में आठ है, इसमें तीन को बढ़ गया, कौन तीन को बढ़ा, ओवर क्राउडिंग वाला बढ़ गया, लाइटिंग वाला बढ़ गया, और एक बढ़ा आपका ब्लास्टिंग के पहले जो रेगुलेशन में लिखी है वो प्रिकॉशंस को लेना, यही ना तीन बढ़ा, तो पांच तीन आठ हो गया,
हो गया, और ये ऑल मशीन्स एंड प्लांट्स आर ऑपरेट इन सिक्योर मैनर, ठीक है, सेफ एंड सिक्योर मैनर। ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार एंड ओवरमैन इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग, क्योंकि अंडरग्राउंड का तो सब जानते हैं।